सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अंजलि कश्यप. आई होप आपने कल का कॉन्सेप्ट क्लास नंबर सिस्टम का देख लिया होगा. तो आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे. आई होप कि ये भी क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं मैथ्स जो है वो टाइप वाइज पढ़ने में भी बिलीव करती हूँ और पढ़ाने में भी बिलीव करती हूँ. तो आज का जो टाइप है वो टाइप नंबर 1 है हमारा, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक सा टाइप है. एंड स्टार्ट किया है तो छोटे चीज़ों से आगे ऊपर बढ़ेंगे, तभी हमें चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर होगी. तो आप पहले टाइप का नाम लिख लेना, यूनिट डिजिट, ठीक है. एक्चुअली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको इसको टाइप में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है. तो चलो पहला समझते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या होता है. इसका सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है 1.1. अब इसको समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, डिफरेंट होती है. तो 1.1 में आपको क्या समझना है, जो 1.1 है उसमें आपको समझना है नो चेंज, ठीक है. कल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आई होप आपको समझ में आ गया. अगर नहीं भी समझ में आया तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया. टाइप वाइज में यही एक चीज़ें होती है कि हम एक टाइप को एक दिन में ख़त्म कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आप नए भी हो इस वीडियो पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नो चेंज मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होना, ठीक है. अगर हिंदी में हम इसको सीखने की कोशिश करें तो सिंपल सा यही है कि कोई भी परिवर्तन हमारा नहीं होना. अब चलिए ऐसा कौन सा नंबर है, देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं. जैसे मान लो कि आपके पास 56 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 56 में यूनिट डिजिट कौन सा है तो ये है, ठीक है. क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 2 का पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है. सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन होता है. अब हम अगर 2 का पावर 5 करें, मैं नॉर्मल बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, आप समझते चलिएगा, ठीक है. तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं 2 के पावर 5 को, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होता है. सिंपल सा बेसिक रूल ये जानते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो 4 हो गया, 4 2 8 8 2 16 16 2 32, इसको मल्टीप्लाई किया 32 आया. तो यूनिट डिजिट हमसे पूछा था 2 के पावर 5 का, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, 2 हो गया. तो 2 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया. तो जो भी ऑप्शन में 2 रहेगा वो हम लिख लेंगे. तो देखो यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब यही था कि यूनिट डिजिट होता क्या है. तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है राइट हैंड साइड से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं. सिंपल सा हमारा चीज़ है. अब नो चेंज का मतलब क्या है, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें हमारा जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट एज इट इज़ रह जाता है, ठीक है. अब उसको समझने की कोशिश करते हैं. नो चेंज पहला टाइप है. टाइप नंबर 1 जो है वो आपका यूनिट डिजिट है. कॉपी में भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. एक बार फिर से इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जो नए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आए. क्योंकि देखो मेरा ये है मतलब है कि अगर मैं आपको छोटा सा भी टॉपिक पढ़ाऊँ अगर एक दिन में, तो आपको वो चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए. टाइप नंबर 1 है हमारा यूनिट डिजिट. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है बट मैंने इसको टाइप बना दिया है, यूनिट डिजिट, ठीक है. यूनिट डिजिट होता क्या है, जो भी आपका इकाई संख्या होती है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इकाई अंक, ठीक है, या फिर इकाई संख्या जो भी है हमारा वो है, ठीक है. अगर हिंदी में मैं गलत लिखूं तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हिंदी वैसे भी मेरी बहुत वो है अगर मैथ्स में बताऊं तो. चलो अब 1.1 देखते हैं कि 1.1 हमारा क्या है. पहला टाइप है हमारा यूनिट डिजिट में नो चेंज, ठीक है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं कि देखो जब भी हम किसी यूनिट डिजिट में, यहाँ पे मान लो कोई नंबर है और यहाँ पे पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 0 है, तो अब हम 0 मतलब यूनिट डिजिट पे 0 है, आगे कोई भी नंबर है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब यूनिट डिजिट पे 0 है और उसका पावर कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर, n मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा. मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी तो इसलिए इसको टेंशन मत लेना, ठीक है. पहला ये है. दूसरा नंबर हमारा होता है कि आगे कोई भी नंबर हो, लास्ट में यूनिट डिजिट पे 1 हो, इसका कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा. तीसरा क्या है, तीसरा हमारा कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 5 हो और उसका पावर n है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा. मैं क्वेश्चन भी सारे बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट. फोर्थ में क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ भी नंबर हो, 6 हो यूनिट डिजिट पे, उसका पावर कुछ भी हो, तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा. अब ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा. और बहुत इजी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूंगी. चलो पहला समझते हैं, ये जो है आपका 0, मान लो कि हमने यहाँ पे लिख लिया 7 5 0 6 0, ये आपका नंबर है और आपको कहा जा रहा है कि इसका पावर है 5 3 2 9, ठीक है. सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं, या फिर पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इतना बड़ा नंबर ना होता और हमें बेसिक दिया होता तो हम कैसे सॉल्व करते. चलो देखो देखते हैं इसको
कि मान लो यहाँ पे आपको नंबर है 10 का पावर 1 करना है, तो सिंपल है कि 10 ही होगा, 10 का पावर 2 करना है तो 10 × 10 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 100, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 0, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 0। अब 10 का क्यूब करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0। तो मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है उसकी हम कितनी भी पावर कर दें उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, मतलब हमने फर्स्ट कंडीशन जो लिखा है वो सही है। अब समझते हैं दूसरे वाले को, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं उसको इरेज कर दूंगी। बाकी कल जो है, कल का PPT जो है वो आपको लिखा हुआ नहीं मिला था, बट आज से ये एज इट इज़ लिखा हुआ मैं सेव करके आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। चलिए एग्जाम्पल मैं नहीं लिखूंगी, दूसरा वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है 1, कोई भी पावर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 11 है तो 11 का पावर 1 करेंगे 11 आएगा, यूनिट डिजिट 1। 11 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 121 आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1। 11 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 1231 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1। मतलब हम 1, अगर यूनिट डिजिट पे 1 है और उसका पावर हम कुछ भी कर लें तो उसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, ये हमने इस तरीके से देख लिया है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देते हैं क्योंकि नहीं तो फिर ये आपका PPT में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम एज इट इज़ 5 के भी साथ है। 5 का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 5 का भी हमारा क्या होता है, कि 5 का भी हमारा होता है नॉर्मल। अगर हम 5 का कोई भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे, जैसे 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125, 5 ही आता है यूनिट डिजिट पे। 6 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 216 ही आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको नो चेंज में समझना था। अब जैसे अगर मैं मान लो इसकी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँ, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, 1.2 पे। ठीक है, तो 1.2 जो है वो हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। अब देखो ये तो थी नो चेंज वाली, बट अब जो दूसरा टाइप है उसका अगर आपका इवन नंबर पे रिपीटेशन हो या फिर कुछ भी हो, तो नंबर दूसरा टाइप है आपका नंबर विच इज एंड्स विथ 4 एंड 9। ठीक है, ऐसी संख्या जो 4 और 9 से अंत होती है, ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलेंगे ना, कि ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 और 9 आए। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट पे अगर 4 है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखो कि मान लो स्टार्टिंग में आपके कोई भी नंबर है और यहाँ पे 4 है, उसका पावर अगर 1 है तो मान लो क्या हो जाएगा, 4 से ही समझते हैं, आगे में कुछ भी अभी इमेजिन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो 1, 2, 3, 4 नंबर है वो हमें ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो चलो मान लो 4 का हम पावर 1 करते हैं तो यहाँ 4 आएगा। ध्यान से समझना एक एक चीज़ों को, क्योंकि अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आते चली जाएंगी आपको। 4 का पावर अगर हम 2 करेंगे तो 4 × 4 = 16, 4 का पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, और 4 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 5 और 2, 256 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, रिपीटेशन क्या हो रही है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे 4 का पावर अगर हमने 4 का पावर 1 किया तो 4 आया, 4 का पावर 2 किया तो 16 आया। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, इस तरीके से। मतलब अगर हमारा ऑड पावर है, अगर हम देखें ऑड पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 4 आएगा, और अगर हमारा इवन पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया आपको कि अगर हमारे पास जो है ऑड पावर है तो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 4, और अगर हमारे पास इवन पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया कि ऑड इवन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में क्लियर कर दिया, बट मैं फिर से बता देती हूँ। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग इवन बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और जो हमारा नहीं डिवाइड हो उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ऑड को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या और हम लोग इसको बोलते हैं सम संख्या। हिंदी में भी मैंने आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चलूंगी, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली हिंदी में वर्ड्स याद करके आती हूँ क्योंकि मेरी हिंदी मैथ्स में बड़ी कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने हर टाइम मैंने इंग्लिश में ही करी है। चलो अब 9 पे देखते हैं, ऐसी नंबर जो 9 पे एंड करती हो तो 9 का पावर 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का पावर 2 करेंगे तो 81 हो जाएगा, और अगर हम 9 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 729 हो जाता है, और 9 का पावर 4 करेंगे तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इसका 1 यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। देखो अब हमने सेम वही चीज़ देखी है कि इसका यूनिट डिजिट हमारा 9 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। सेम वही चीज़ हमारा रिपीटेशन पे चल रहा है कि अगर हमारा ऑड पावर होगा 9 में तो हम क्या करेंगे, हमारा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, और अगर हमारा इवन पावर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आपको इसमें याद कैसे रखोगे, सिंपल सा ट्रिक मैं बताती हूँ। देखो आपके पास कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें नो चेंज आ रहा है, वो कौन कौन से नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो 0, 1, 5, 6। ठीक है, और
दो नंबर ऐसे हैं जिसका ऑड इवन पावर पर रिपीटेशन होता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा वो नंबर है 4 और 9, तो ये 1.2 है आपका, आप अच्छे तरीके से करेक्टराइज कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे, 1.3 समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये जो है टाइप 1 का ये लास्ट टाइप है, आई थिंक आपको इसमें जो है डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन भी करेंगे, 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करने के लिए दूंगी, ठीक है। अब देखो तीसरा टाइप जो है उसमें है नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 9, क्योंकि हमारे 1 डिजिट में अब यही 4 नंबर बच गए, तो अब इसी पे बात करेंगे, नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक बार और मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ चलो देखो यहाँ पे समझते, अगर मान लो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, ठीक है, आपके पास ये नंबर है। चलो तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। अभी तक हमारे पास एक भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा जो रिपीटेशन पे है, ठीक है, तो हम एक दो और आगे चलते हैं, ठीक है। 2 का पावर 5 देख लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, 16 2 32। 2 का पावर 6 देख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 64। अब बस यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रिपीटेशन देखने की बात करोगे, तो यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रहा है, 2, 4, 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब दिख रहा है कि 5 के बाद जो है वो नंबर वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब हमें क्या पता चला कि हमारा जो 2 है उसमें कैसे रिपीटेशन होगा, 4 के बाद होगा, ठीक है। तो 4 के बाद जो भी नंबर होगा उसमें हमारा रिपीटेशन चलेगा, तो मतलब 2 का पावर जो 5 होगा उसमें हमारा यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 का पावर 6 जो होगा उसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 4 होगा, 2 का पावर 7 जो होगा उसमें यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा, और 2 का पावर 8 जो होगा उसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से 2 में चलेगा, सेम एज इट इज 3, 7, 8 में भी चलेगा, बट अब 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे 2 से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगी आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्योंकि जब हमें एक ही चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपसे पूछ रहा है कि वॉट इज द यूनिट डिजिट, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी में बोलूंगी, वॉट इज द यूनिट डिजिट, क्वेश्चन आगे भी है तो मैं वो भी कराऊंगी, यूनिट डिजिट ऑफ लिख लो यहाँ पे एक नंबर कोई सा भी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ 542 है आपसे पूछ रहा है कि 502 का पावर 642 का यूनिट डिजिट इकाई संख्या क्या होगा, आपको ये निकालना है। अब हमने 2 के कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है कि 2 का पावर 4 पे रिपीटेशन करता है, तो अब हमें पावर को क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अब हमें पावर को क्या करना होगा कि डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है कि अगर ऑड इवन है तो वैसा तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, तो हमने सिंपल क्या करना होगा, हमें जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे 2, 4, 6, 24 टाइम्स में पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो ये जो रिमाइंडर आएगा ना यहाँ पे, हमें कोशेंट से कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना वही हमारा क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, तो 4 इज़ द आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकालना था, तो हमने इसके पावर का भी, इसके आगे के भी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया, हमने डायरेक्ट 2 का पावर 2 लिख करके 4 कर दिया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं 3 के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अपनी और चीज़ों को समझेंगे, 3 पे भी क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो सबको ले करके मुझे चलना है, मुझे ये नहीं करना है कि हम किसी इंसान को छोड़ दिए, ठीक है। चलो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, और हमें पता है कि 4 पे रिपीटेशन होगा, तो भी हम यहाँ पे 3 का पावर 5, 3 का पावर 6 तक निकालेंगे, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 का पावर 2 कितना होगा, 9, ये 27, ये 81, और 81 3 is 243, एंड यहाँ पे अगर मैं इसमें 3 इंटू करूँगी एक और, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा यूनिट डिजिट बन चुका है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रिपीटेशन चल रही है कि 3, 9,
7 1 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 9, तो आगे 7 1 आएगी, 3 का पावर अगर हम 7 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट 7 आएगा, और यहाँ पे 3 का पावर 8 कर देंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। सिंपल सा चीज़ है, इतना आई होप क्लियर चल रहा होगा आप लोगों को। तो चलते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं अब आगे क्या होगा। तो चलो ये तो था कि रिपीटेशन चल रही है सेम 4 पे भी, तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि यहाँ पे चलो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा देखो साथ साथ नोट्स भी नोट भी करते चला, क्योंकि अगर मैं पीपीटी दूँ तो शायद इस तरीके से जो लिखा हुआ है वो समझ ना आए, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है आपका, 623 को 49 का पावर निकालना है और आपको पता करना है कि इसमें जो है आंसर क्या आएगा। सिंपली यहाँ पे देखना है आपको कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, पावर के साथ आप ये छेड़छाड़ मत करना कि आप सिर्फ एक ही पावर लेना, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, तो सीखते टाइम में हम वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, स्टंट करने की जरूरत नहीं है। चलो पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 49 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 4, यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया, 9 8 आ जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ हमारा हो गया 1। अब क्या आ गया, 3, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 3 का पावर यहाँ पे 2 होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 3 का पावर 1 आ गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो अब आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट लास्ट में 3 ही आएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, उस अंक का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मान लो यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो कि 3 का पावर 1 क्यों लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि 2 3 का पावर 1। अब देखो इसका पावर भी 1 करोगे तो आपको वही आएगा, लेकिन सिंपल सा चीज़ है कि जो यूनिट डिजिट है उसी से हमारा मतलब है, हमारा दूसरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आगे और क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी प्लीज़ उसको करते रहिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा समझना जो हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। चलो अब 7 पे देखते हैं, 7 का भी सेम है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 49 343, और अगर मैं इसको 7 से इंटू करूँ तो यहाँ पे 1 0, 2 और 4 हो जाएगा, और 7 का पावर 5 हमारा हो जाएगा, 7 का पावर 5 अगर हम यहाँ 7 से इंटू करो तो यहाँ पे 7, अब यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही हूँ। फिर 7 का पावर अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ पे 7 7 49 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, सेम एज इट इज़ आप देख रहे हो, रिपीटेशन है 4 पे, तो सेम वही हम करेंगे 7 में भी, और 8 में भी वही होता है कि हमारा रिपीटेशन होता है, तो 8 में भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है तो इसीलिए मैं दूसरे पेज पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर अगर आप 8 का भी इसी पे लिख लो कि जो नंबर हमारा 8 पे भी एंड करेगा उसमें हम क्या करेंगे। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूं तो आपको समझाना मैं क्या चाहती थी, मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो चलो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। देखो जिसके भी लास्ट में अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 है, तो सिंपल सा चीज़ है आपको क्या करना है कि उसके पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सा चीज़ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि यही तक था हमारा जो था कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहला टाइप क्या है हमारा, यूनिट डिजिट का टाइप है, जिसमें 1.1 है हमारा, नो चेंज, कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 5 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो ऐसा कोई नंबर जो कि एंड करा, जो कि 1.2 है हमारा 4 और 9 से, तो उसमें क्या करना है हमें, अगर ऑड पावर है तो हमारा 4 के कॉन्सेप्ट में, अगर हमारा ऑड पावर है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 हो जाएगा, अगर हमारा इवन पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपली हमें पावर देखना है, ऑड है इवन, हम यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कर लेंगे। 9 में क्या है, सेम वही चीज़, ऑड पावर है तो हमारा 9 हो जाएगा और इवन पावर है तो हमारा 1 हो जाएगा। अब नंबर एंड्स अगर कर रहा है हमारा 2 3 7 8 से, तो हमें पावर को क्या कर देना है, सिंपली हमें डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं, जो मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा ये चीज़ करना अपनी उसमें कि आप जो है ये थोड़ा बहुत इतना करना, ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं आपको एक वो बना करके दिखाती हूँ कि आप कैसे बनाओगे, एग्जैक्टली आपको करना क्या है और किस तरीके से आप बनाओगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ चलो देखो, आपको सिंपली बीच में कुछ नहीं करना है, टाइप नंबर 1 लिखना है, ठीक है, और इसमें एरो देना है 1.1, नो चेंज, ठीक है। इस तरीके से अपनी कॉपी में भी लिखोगे ना तो बिल्कुल आपका जो नोट्स होगा वो प्रॉपर तरीके से तैयार होगा, शॉर्ट वे में हो जाएगा। 1.2 अगर लिखोगे तो 1.2 में क्या लिखना है, जो मैंने टाइप का नाम दिया है ना उसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख लो, नंबर एंड्स विथ
फोर एंड नाइन. अब थर्ड टाइप क्या है, 1.3 क्या है हमारा, नंबर्स एंड विथ एंड्स विथ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8. और इसके नीचे आपको छोटा छोटा कोई भी एग्जाम्पल्स लिखे ना, आप आपके अपने ऊपर लिख सकते हो, और बाकी इस चीज़ को भी आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख देना तो आपको आपको पता चल जाएगा. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं. और अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो फिर मैं आपको जो है मैं दूसरा चीज़ भी यही करा दूंगी, बट अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा. चलो यूनिट डिजिट ऑफ, और ये सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मैं ईयर डालना भूल गई, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोन में रख लेती हूँ, देन मैं टाइपिंग करने बैठती हूँ तो वो देख करके मैं उसमें ईयर याद करना भूल जाती हूँ, और कभी कभी मैं बहुत देर बाद टाइपिंग करती हूँ. तो चलो, 4 का पावर है. हमने क्या सीखा है कि 4 का अगर, चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो हमारा 4 होगा, और इवन होगा तो हमारा 6 होगा. 4 का पावर क्या है, यहाँ पे इवन है तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा. ठीक है, यूनिट डिजिट 6, और यहाँ पे 4 है तो 4 का पावर ऑड है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा हमारा. तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा. 6 + 4 कितना हो गया, 10. तो 10 का 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे में आपको बन जाएगा. यूनिट डिजिट बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है वो है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जस्ट वेट. हाँ, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 4 का पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो जब पावर ऑड रहेगी तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा. माइनस 6 में नो चेंज होता है तो हमारा 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 का पावर 4 है तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया. अब 4 + 1 5 हो गया, 5 - 6 - 1. अब यहाँ पे देखो माइनस 1 आ गया. आपने कभी यूनिट डिजिट को माइनस 1 देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा. तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, जब हमारा माइनस में आ जाए तो सिंपली आप 10 में से माइनस कर दो उस नंबर को, तो क्या आ गया, 9. अब यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन ईजी था. नेक्स्ट आपको सिंपल, देखो इस क्वेश्चन में यही याद रखना है कि जब आपको निगेटिव में आ जाए ना यूनिट डिजिट, तो आपको 10 में से माइनस कर देना उसको, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट एक ही अंक आएगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. 4 पे क्या है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 3 पे हमारा 61 है, तो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से. वेरी सिंपल, सिंपली तो मैंने बता दिया कि 61 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें तो पता है 15 × 4 = 60 होता है, और ये 1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 हमारा 3 ही आ जाएगा. और यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 7 में भी हमारा क्या था, हमारा 4 से ही डिवाइड करना होगा. तो 4 से अगर हम 58 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 और ये 16, यहाँ पे 2, तो कितना बचेगा, 7 का पावर 2. अब 7 का पावर 2 कितना, 49, तो 49 का यूनिट डिजिट 9. अब 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13. सॉरी यहाँ पे, सॉरी आई एम सो सॉरी, 7 है यहाँ पे, मैंने इसको प्लस कर दिया था, 7 - 9. अब देखो क्या हो गया, -2 फिर से आ गया. अब देखो -2 फिर से आ गया, तो अब क्या करेंगे कि 10 में से -2 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 2 का पावर 16. 2 का पावर 16 है, तो यूनिट डिजिट को हमको क्या करना, सॉरी पावर को हमें क्या करना, डिवाइड करना है 2 में. तो 2 का क्या हो जाएगा कि हम डिवाइड करेंगे तो 16, तो 2 का पावर 4 ही बचेगा लास्टली, तो 16 तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16. तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 728, तो ये भी हो जाएगा 3 का पावर 4. अब पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो हम लास्टली 3 का पावर 4 ही लेंगे. अब क्यों लेंगे मैं ये भी आपको समझा देती हूँ. ठीक है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. चलो 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3 3 का पावर 4, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्टली तो हमारे पास यही बचेगा ना, 3 का पावर 4 ही बचेगा ना, तो हम वही लास्टली कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो हम बना रहे थे. देखो तो अब 3 का पावर 4 हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 को 34 है तो फिर 4 से डिवाइड करना होगा 34 को, तो यहाँ 32 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, तो 7 का पावर 2 9 हो गया. यहाँ पे देखो 6 1 7 - 9. ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना बच गया, -2, फिर 10 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 8. देखो सब मैंने निगेटिव वाला ही वो डाल दिया क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर यही थे, तो 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे सब क्लियर होंगे. देखो टाइम तो लगेगा कि अगर हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं ये समझ के आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आप एकदम बेसिक से सारी चीज़ें सीख रहे हो. ठीक है, चलो अब 7 है तो 7 का पावर 98 है, 4 से फिर डिवाइड कर देंगे 98 को, थोड़ा टाइम लगेगा. एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप खुद करना और इसका कमेंट में आंसर देना. ठीक है, सब लोग प्लीज़ आंसर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने सीखा है. चलिए मैं कुछ नए क्वेश्चन आपको करा देती हूँ. चलो ये क्वेश्चन जैसे नया है कि यूनिट डिजर्व 3 का पावर 99, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 99 को, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स में 8,
वन 1916 और ये 3, अच्छा सॉरी 3, हाँ तो चलो ठीक 3 आ गया, तो क्या हो गया 3 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा 27, 7 का पावर 7 हो गया यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन में है। एक क्वेश्चन जो है वो नया है आपके लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बिल्कुल नया है। देखो ये क्वेश्चन है 81 से लेकर के 89 तक मल्टीप्लाई करना। आप बोलोगे मैम आपने ऐसा क्वेश्चन तो हमें बताया नहीं है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत समझने की कोशिश करना। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86, ठीक है, ये 89 तक चला गया है। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीका बताऊंगी, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया है यहाँ देख करके कि यूनिट डिजिट को तो मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मैम यहाँ से 2 उठा लेते हैं और यहाँ से 5 उठा लेते हैं, तो 2 इंटू 5 कर देते हैं, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा और यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब 0 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तो हमारा 0 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो जब इतनी बड़ी सीरीज दी रहे ना, तो आप एक इवन नंबर ढूंढना और एक 5 ढूंढना, क्योंकि जब भी हम इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज़, यही क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं इवन नंबर तो है यहाँ पे, मैम आपने बोला था इवन नंबर ढूंढने, 6 तो है लेकिन 5 नहीं नजर आ रहा है यूनिट डिजिट पे, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 24 आएगा यूनिट डिजिट, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना, पूरा 24 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 7 6 42 टू यूनिट डिजिट लिखेंगे और 4 2 8 तो 8 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अप्रॉक्स जो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसको और लंबा नहीं करते एंड इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे एंड करते। अब देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन छोड़े, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़े हैं, 6 मैंने बता दिया है, 7 छोड़ दिया है, 8 छोड़ दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, और देखो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ 11, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना बोल रहा है आपसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 66049, एक काम करते ना इस क्वेश्चन को आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मत देना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में देना, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको ये बता, जैसे मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे, कि अगर आपसे पूछ रहा है कि 4 का स्क्वायर रूट निकालना तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट में आ जाएगा, तो यही चीज़ आपको इसमें बतानी है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका आंसर सब लोग कमेंट में करना, और अगर नहीं किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, देख लेना फिर, तो ठीक है। चलो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको यूनिट डिजिट का कंप्लीट हो चुका होगा। ये जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है ना, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगी आपको, मैं कोशिश करूंगी या फिर मैं दे भी दूंगी, मैं सेव कर लूंगी इसको, आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगी, आप देख लेना एक बारी, कोशिश करना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, उस क्वेश्चन को आप खुद से करने का ट्राई करना, क्यों, उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एंड अगर आप बोलोगे कि मैम इसमें तो 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड मैं आपको कम से कम अभी 20 क्वेश्चन और दूंगी प्रैक्टिस के लिए, 4 क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा है आपको और 20 क्वेश्चन मैं अभी और दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो 24 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो उस 24 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट होगा नीचे कमेंट में आके, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हो तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ सेंड कर देना, मैं डाउट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी। एंड दूसरी चीज़, लास्ट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो का, कि देखो हो सकता है कि मेरी वीडियोज जो जैसे नंबर सिस्टम है चैप्टर पढ़ा रही हो तो थोड़ा सा वो लंबा चला जाए, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को रिपीटेशन पे पढ़ाती हूँ ताकि वो आपके माइंड में अच्छे तरीके से घुस सके, ठीक है। तो वीडियो अगर लंबी जाए तो उसको 2x पे करके 1.5x पे करके देख लीजिएगा, बट स्किप मत कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत इफेक्टिव वे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।